हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ काव्या। आज की वीडियो है फ्रेंड्स, सितंबर मंथ में हम अडेनियम की केयर किस तरह कर सकते हैं, किस तरह जो है हम ढेरों फ्लावर्स अपने अडेनियम प्लांट पर पा सकते हैं। अभी जो है ये सितंबर और अक्टूबर दो महीने हैं जब हम अपने प्लांट पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो किस तरह जो है हमें केयर करनी है, किस तरह के फर्टिलाइजर्स यूज़ करने हैं ताकि हमारे प्लांट पर जल्दी फ्लावरिंग आए और बंचेस में फ्लावरिंग आ सके। तो मेरा जो प्लांट है अभी रेस्टिंग पीरियड पर है, यानी कुछ दिन पहले ही मेरे प्लांट पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई थी। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था एक वीडियो, तो लिंक्स मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मेरे अडेनियम केयर पे मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, तो आप ज़रूर उन सभी को चेकआउट कीजिएगा। तो फ्लावरिंग कंप्लीट होने के बाद कुछ रेस्ट पीरियड के बाद दोबारा जो है प्लांट फ्लावरिंग करता है। तो आपको लग रहा होगा कि ये प्लांट जो है मैंने रिपोर्टिंग के लिए निकाला है, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मेरे गार्डन में एक जो है कुत्ता आता है जो कि हर बार आकर कोई ना कोई प्लांट जो है मेरा ख़राब कर कर जाता है। तो कई बार जो है मेरे काफ़ी प्लांट्स ख़राब कर गया था, तो अभी भी जो है मेरे प्लांट्स तो आप देख रहे हो तीनों बास्केट में, ये तीनों ही गिरा गया था। तो सभी को जो है मुझे दोबारा रिपोर्ट करना पड़ा, तो अभी ये प्लांट अभी पेंडिंग है, तो मुझे इसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो वैसे तो अगले महीने ही आप चाहो तो अपने प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हो, बट मैं इसे रिपोर्ट नहीं करने वाली थी, बट कोई बात नहीं, अब जो है मैं इसे रिपोर्ट कर लूँगी। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या केयर करनी है। तो अडेनियम में अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए आपको अच्छी सनलाइट देना काफ़ी ज़रूरी है। तो अभी मॉनसून सीजन में सनलाइट आपको उतनी अच्छी नहीं मिलती है, कभी बारिश होती है, कभी बादल छाते हैं, और कभी कभार जो है सनलाइट आपको तेज़ या फिर कम देखने मिलता है। तो ये जो सीज़न होता है वो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है अपने अडेनियम प्लांट के लिए, क्योंकि ऐसे में आपके प्लांट पर फंगस भी काफ़ी बार लगता है। तो ऐसे में आपको जो है अपने प्लांट पर जो है अच्छी सनलाइट देना काफ़ी ज़रूरी है। सनलाइट देने से आपके प्लांट पर किसी भी तरह का अगर मॉइस्चर हो तो वो निकल जाता है और आपका प्लांट फंगस लगने से बच सकता है। तो टाइम पे जो है आपको अपने अडेनियम को जो है एक ही जगह पर आपको रखना है। कई फ्रेंड्स जो है अंदर बाहर अपने प्लांट को करते रहते हैं, इससे एक और प्रॉब्लम भी होती है कि प्लांट को जो है हर बार अलग अलग लोकेशन मिलता है, जिसकी वजह से भी हमारा अडेनियम प्लांट शॉक में आ सकता है। तो आप जो है एक ही जो है स्पॉट दे दीजिएगा अडेनियम को, जहाँ पर इसे काफ़ी अच्छी सनलाइट मिल सके। आप सॉइल इसकी इतनी अच्छी बनाइएगा कि आपको इन्हें शिफ्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप जो है काफ़ी जो है अलग अलग सॉइल मिक्स होता है अपने अडेनियम प्लांट्स के लिए, तो आप किसी भी तरह का एक वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्सचर ले सकते हो। मैंने अपने प्लांट पर देखे सिंडर मिक्स यूज़ किया है, तो आप चाहो तो सिंडर में लगा सकते हो या फिर आप सैंडी सॉइल में भी लगा सकते हो। सिंडर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सैंड में थोड़े से सैंड ग्रेवल्स मिलाकर भी अपने प्लांट को बहुत ईजीली लगा सकते हो। वाटरिंग की बात करिए तो आपको जो है हमेशा सॉइल चेक करते रहना है मॉनसून में। सितंबर मंथ में उतनी बारिश नहीं होती है, कई बार थोड़ी सी रिमझिम बरसात होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो सॉइल है वो मॉइस्ट है, अच्छे से जो है इसमें पानी चला गया है पॉट में, बट ऐसा नहीं होता है। जब आप सॉइल को चेक करोगे अच्छे से, एक दो इंच तक आप निकालोगे, अगर आपको सॉइल मॉइस्ट या फिर वेट दिखती है तो ठीक है, बट अगर आपको जो है सॉइल ड्राई लगता है तो तुरंत आपको वाटरिंग कर देना है। अंडर वाटरिंग भी एक बहुत ही मेजर जो है रीज़न होता है हमारे अडेनियम प्लांट ख़राब होने का। तो ओवर और अंडर वाटरिंग दोनों ही बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होते हैं हमारे अडेनियम प्लांट के लिए। तो हमेशा सॉइल चेक करते रहिएगा, उसके बाद ही आपको जब भी ड्राई दिखे सॉइल तो पानी दे दीजिएगा। ये मेरे जितने भी अडेनियम आप देख रहे हो उनके कोडेक्स देखिए कितने ब्यूटीफुली ग्रो हो रहे हैं, और सभी मेरे प्लांट्स बहुत ही हेल्दी वे में ग्रो कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हो इस तरह के हेल्दी प्लांट्स अपने गार्डन में ऐड करने के लिए, तो आप जो है एक सेलर है जो कि जिनसे मैंने जो है ये सारे अडेनियम्स लिए हैं, उनका साइट का नाम है treeseller.com। तो आपको भी अगर हेल्दी अडेनियम्स परचेज करने हैं तो आप इन साइट से परचेज कर सकते हो। ईशान जी है सेलर का नाम, आप जो है इन्हें व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट करके कैटलॉग मंगवा सकते हो, और अपने मनपसंद जो भी कलर्स है आप उन्हें कांटेक्ट करके आप अगर साइट पे प्लेस करना चाहते हो ऑर्डर, तो साइट पे भी प्लेस कर सकते हो, या फिर आप साइट पर एक ऑर्डर क्रिएट करके उन्हें व्हाट्सएप करोगे तो वहाँ पर भी जो है ये आपका ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो सारी डिटेल्स जो है मैं आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मॉनसून सीजन में हमें एक और प्रॉब्लम देखने मिलता है, वो है कोडेक्स और स्टेम रॉट। तो कई बार जो है हमारे अडेनियम के सॉइल में जो है पानी ठहरने की वजह से या फिर जो है स्टेम में पानी रुकने की वजह से रॉटिंग की प्रॉब्लम हमें देखने मिल सकता है। तो ये मेरा अडेनियम आप देख रहे हो, इसमें रॉटिंग हुई थी, दोनों ही ब्रांच पर रॉटिंग हुई थी, और दोनों को देखिए मैंने सेव कर लिया है, और एक पर तो है नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुकी है। एक और प्लांट भी है जिस पर जो है मेरे प्लांट पर रॉटिंग हुई थी, तो उसे भी मैंने सेव कर लिया है। ये जो मेरा प्लांट आप देख रहे हो इस पर भी जो है रॉटिंग स्टार्ट हुई थी, तो मैंने सेव कर लिया है।
तो इसीलिए आपको जो है अपने एडेनियम पर ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप जो है बारिश रुक जाता है उसके बाद आप जाकर चेक कीजिएगा आपके एडेनियम्स की कॉर्डेक्स को और स्टेम्स को, कहीं भी अगर आपको पानी ठहरता हुआ दिखे तो आप तुरंत जो है वो पानी को रिमूव कर दीजिएगा। फ्लावर्स में भी कई बार पानी रुकता है तो फ्लावर्स में से भी पानी रिमूव कर दीजिएगा। आप चाहो तो थोड़ा सा प्लांट को हिला दीजिएगा जिससे जितना भी पानी ठहरा हुआ है वो सारा निकल जाएगा और आपका प्लांट जो है वो रॉटिंग से बच सकता है। इस तरह के स्पेंट फ्लावर्स भी आपको निकाल देना है टाइम टू टाइम, वरना ये जो है चिपक जाते हैं ब्रांच को और वहीं से जो है ब्रांच रॉट शुरू हो जाता है। तो आपको जो है टाइम टू टाइम अपने सारे स्पेंट फ्लावर्स को रिमूव कर देना है और चेक करते रहना है सभी ब्रांचेस पे, क्योंकि पत्ते ज़्यादा होने की वजह से भी हमारे प्लांट पर कई बार हमें जो है रॉटिंग दिखता नहीं है, इसकी वजह से हमारा पूरा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो टाइम पे अगर अपने प्लांट पर आप चेक करते रहोगे तो आपका जो एडेनियम का प्लांट है वो हेल्दी ग्रो करता रहेगा। ये जो मेरा कॉर्डेक्स आप देख रहे हो एडेनियम का, देखिए कितना हेल्दी और कितना मोटा हो चुका है। ये मेरा लगभग 3 या 4 साल पुराना प्लांट है और आप देखिए कितना ब्यूटीफुली ये ग्रो कर रहा है। तो अगर आप चाहते हो आपके कॉर्डेक्स इसी तरह ब्यूटीफुली ग्रो हो और मोटा भी इसका स्टेम हो और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी मिल सके, तो आपको जो है कुछ फर्टिलाइजर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिनकी मदद से आप जो है पहले तो सबसे बहुत अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हो और साथ ही में आपके जो प्लांट का कॉर्डेक्स है वो भी काफ़ी हेल्दी वे में ग्रो करेगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन से है वो फर्टिलाइजर्स। तो ये कुछ फर्टिलाइजर्स है, इसमें सारे ही ज़्यादातर ऑर्गेनिक है, सिर्फ एक ही जो है यहाँ पर मैंने केमिकल लिया है। तो सबसे पहला जो फर्टिलाइजर है फ्रेंड्स वो है नीम खली। नीम खली एक बहुत ही अच्छा फंगीसाइड के साथ साथ एनपीके का भी इसमें जो है रेशियो होता है। तो नीम खली आप जो है अपने एडेनियम की सॉइल में ज़रूर दीजिएगा। हर महीने आप एक बार जो है अपने एडेनियम की सॉइल में अगर आप देते हो तो किसी भी तरह का फंगस अटैक आपके सॉइल में यानी गॉडेक्स के रूट में नहीं होगा और साथ ही में आपका प्लांट भी काफ़ी हेल्दी ग्रो करेगा, किसी भी तरह का पेस्ट अटैक उन पर जल्दी आपको देखने नहीं मिलेगा। यह है फंगीसाइड। फंगीसाइड आप जो है अपने एडेनियम प्लांट पर ज़रूर स्प्रे कीजिएगा। हमारा जो एडेनियम है वो ख़राब होता है ज़्यादातर फंगस की वजह से ही, तो आप जो है टाइम टू टाइम यानी लगभग 20 या 25 दिन के गैप में अपने प्लांट पर अच्छे से फंगीसाइड का स्प्रे कर दीजिएगा ताकि किसी भी तरह का फंगस अटैक हमारे प्लांट पर ना हो सके। अब बात करते हैं फ्लावरिंग के लिए। तो फ्लावरिंग के लिए सबसे पहला है फ्रेंड्स बोन मिल। बोन मिल एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है फॉस्फरस और कैल्शियम का। तो अगर आप बोन मिल यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप रॉक फॉस्फेट भी यूज़ कर सकते हो। रॉक फॉस्फेट भी इसी तरह का रिजल्ट आपको देता है। बोन मिल एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, तो अगर आप थोड़ा जल्दी जो है रिजल्ट चाहते हो तो आप रॉक फॉस्फेट यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स हमारा जो है पोटाश। तो ये पोटाश जो है आपको डीएपी ग्रैन्यूल्स लगेगा, बट ये डीएपी ग्रैन्यूल्स नहीं है, ये बायो पोटाश है। तो आपको जो है मार्केट में बहुत ही ईजीली जो है अब बायो पोटाश के ग्रैन्यूल्स आपको पाउडर फॉर्म में भी मिलेगा और ग्रैन्यूल फॉर्म्स में भी मिलेगा। पोटाश हमारे एडेनियम के प्लांट में फ्लावरिंग लाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर आप एडेनियम ग्रो करते हो और आप चाहते हो कि हेल्दी भी रहे हमारा प्लांट और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छा करे, अभी रिसेंटली मेरे प्लांट पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई थी, वो भी क्लिप ऐसा हो तो मैं छोटा सा अटैच कर दूंगी, तो उसका रीज़न है फ्रेंड्स ये बायो पोटाश। साथ ही में आपको जो है यूज़ करना है सी वीड ग्रैन्यूल्स। सी वीड ग्रैन्यूल्स एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है हमारे सभी प्लांट्स के लिए, सिर्फ एडेनियम के लिए नहीं, सभी प्लांट्स के लिए आपको ज़रूर सी वीड जो है ग्रैन्यूल्स यूज़ करना चाहिए। ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का काम करता है और अगर आपके पास ग्रैन्यूल्स नहीं है तो आप लिक्विड भी ले सकते हो, लिक्विड भी आपको जो है जल्दी रिजल्ट देने में हेल्प करता है। तो आप जो है अपने एडेनियम की सॉइल में और स्प्रे भी कर सकते हो लिक्विड को। और ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट का पाउडर। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट पाउडर है इसीलिए मैं दे रही हूँ, बट अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। चलिए एक प्लांट में जो है मैं आपको रेशियो बता दूं कि कितना फर्टिलाइज़र आपको देना है। तो जब भी आप फर्टिलाइज़र देते हो तो बहुत अच्छे से पहले तो आप गुड़ाई कर लीजिएगा, थोड़ा सॉइल ड्राई होना चाहिए। इस तरह के किसी भी तरह का वीड अगर आपको प्लांट में दिखे तो आप उसे रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि ये भी जो है एनर्जी फर्टिलाइज़र से लेते रहते हैं। तो आप जो है टाइम टू टाइम वीड्स को रिमूव कर दीजिएगा। आप सॉइल देख सकते हो मेरा बहुत ज़्यादा गीला नहीं है, हल्के मॉइस्ट सॉइल में जो है आपको ये फर्टिलाइजर्स देने हैं। तो अभी जो है फ़िलहाल मैं आपको एक पॉट में डालकर दिखाती हूँ। तो आपको लेना है 1 स्पून नीम खली। तो आप जो है पॉट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, अगर आपका छोटा पॉट है तो आप 1/2 स्पून लीजिएगा और बड़ा पॉट है तो आप जो है 1 स्पून ले सकते हो। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच सी वीड ग्रैन्यूल्स लिया है, आधा चम्मच माइक्रोन्यूट्रिएंट पाउडर लिया है,
साथ ही मैं यहाँ पर जो है मैं लगभग 10 से 15 दाने जो है पोटाश का दे दूँगी। तो वैसे तो ये ऑर्गेनिक है बट फिर भी जो है हमें कंट्रोल रखना होता है हमारे फर्टिलाइजर्स में, बहुत ज़्यादा जो है हमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। साथ ही मैं यहाँ पर मैंने एक स्पून बोन मील लिया है। अब जो है हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही में मिक्स करने के बाद जो है आप अपने जो भी पॉट में फर्टिलाइज़र देते हो तो पानी ज़रूर दीजिएगा। जब भी आप कोई भी फर्टिलाइज़र देते हो चाहे केमिकल हो या फिर ऑर्गेनिक हो तो आपको तुरंत पानी दे देना चाहिए ताकि हमारे सॉइल में जो है ये फर्टिलाइज़र घुल मिल जाए। तो इस फर्टिलाइज़र के साथ आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में आपके प्लांट पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग आपको देखने मिल जाएगा और जो भी कलियां बनती है वो भी सारे खिलने लगेंगे। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो, सितंबर मंथ में हम अडेनियम की केयर किस तरह कर सकते हैं और किस तरह जो है ढेरों फ्लावर्स अपने अडेनियम पर पा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स।